आज हम बनाने वाले हैं मखाने की खीर। ये खीर हम बनाएंगे पीनट मिल्क से, पर अगर आप दूध खाते हो सादा वाला तो आप वो दूध का भी ये खीर बना सकते हो। पर सबको लगता है कि अभी हम डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दिए हैं तो अभी हम क्या खीर बनाकर खाएं, तो उसके लिए आज ये स्पेशल आपको खीर बनाकर हमने वीडियो दिखाया है कि बहुत अच्छी खीर बनती है इसकी। ये खीर बनाने के लिए हमें लेना है सबसे पहले 2 कप मूंगफली का दूध, पीनट मिल्क लेना है हमें, और 1 कप हम लेंगे मखाना, और वो भी हमें ऐसा 2 पार्ट करना है, उसको थोड़ा सा चेक करना है अंदर से साफ है कि नहीं और तैयार है हमारा मखाना भी। और हम लेंगे 2 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर, ऑर्गेनिक गुड़ लेना है हमें, 1/2 टीस्पून लेना है इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून लेना है जायफल का पाउडर एंड 1/4 टीस्पून लेना है वेनिला एसेंस। ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। मूंगफली का दूध का हम इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, आपको काफ़ी वीडियो में भी हमने बताया हुआ है, और आज हम स्पेशल बना रहे हैं उसका खीर बना रहे हैं। और मूंगफली का दूध जब हम गर्म करते हैं तो वो थोड़ा थिक हो जाता है, इसके लिए खीर का अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम पतीले में दूध डाल करके गरम करेंगे। ये दूध को हमें सिर्फ गरम करना है, ज़्यादा औटाना नहीं है, थोड़ा सा गरम हुआ और हम गैस बंद कर देंगे, और इसको खास हमें हिलाते रहना होता है वरना नीचे चिपक जाता है, आपको पहले भी ये बताया हुआ है। तो दूध हमारा गरम होकर तैयार है, हमने अभी एक बाउल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। देखो एकदम दूध गर्म है, दिख रहा है ना, और ऊपर से अभी हमने डाल दिए मखाने, तो मखाने पूरे दूध को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंदर अच्छे से घुल जाते हैं। ऐसे हिला देंगे हम। गरम गरम दूध में ही हमें ये डालना है, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। अभी ऊपर से डाल रहे हैं हम वेनिला एसेंस। ये एसेंस हम इसलिए डालते हैं कि ये जो मूंगफली का टेस्ट होता है ना दूध का, वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसके लिए अगर आपको नहीं डालना है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी खीर बना सकते हो। और हमने मिठास के लिए डाला है ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर, आपको चाहिए आप चीनी भी यूज़ कर सकते हो, पर चीनी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, इसलिए हम गुड़ डालते हैं। हमने डाला है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और नटमक पाउडर, जायफल का पाउडर जिसे कहते हैं, ये थोड़ा एनहांस करता है खीर को, बिना ये पाउडर के तो हम खीर बना ही नहीं सकते ना, टेस्ट भी नहीं आता है। सब कुछ हमने अच्छे से मिला लिया है, इसको ठंडा होने देना है, इसके बाद आप फ्रीज में 2-3 घंटा रखो और फिर आप ये खीर खा सकते हो, मेहमानों को भी खिला सकते हो, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये खीर का, आप एक बार ट्राई करिए और हमें बताइए।